ये भाई देखिए, ये झंडा है और इनका कहा नाम क्या है, सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या, इसका क्या क्या चीज़ के बारे में है बोलिए, इसके बारे में मतलब क्या क्या है। अरे महंगाई के लिए सब बारे में कम कराना चाह रहे हैं भाई साहब, गरीब आदमी सब कहाँ जाएगा बताइए, जाता हूँ कितना हो रहा है। राशन तेल जो भी महंगाई मतलब घुसखोरी सब के लिए है। यार हम लोग भी लाइसेंस के लिए बनाने आए हैं, हर जगह पैसा मांग रहे हैं। ये बात है ना भाई, पता नहीं चल रहा है। इतना हर जितना भी है सभी लोग यही के लिए आए हैं। अंदर में देखते हैं, पूरा भीड़ भड़ाका है। आज हर लोग चाह रहे हैं, ये परेशानी ये बात सही है कि आपके तेवर को देख करके, जनता के तेवर को देख करके सरकार ने 3 महीना के लिए मुलतवी की बात किया है मगर अभी समाप्त नहीं किया है। मगर हमको आपको विचार करने का सवाल है, हम मांग करना चाहते हैं कि सर्वे के नाम पर तुम किसानों से जो जमीन छीनना चाहते हो, और सरकार की नीयत है कि जो किसान जमीन का कागज नहीं देगा वो जमीन सरकार की हो जाएगी, ये जो नीयत है। तुम्हारा रजिस्टर 2 ब्लॉक में ठीक नहीं है, तुम्हारा रजिस्टर फटा हुआ है, रजिस्टर 2 तुम्हारा सारा चीज तहस नहस है। इसके लिए किसान जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। इसलिए जो जमीन के कागज में गड़बड़ियां है पहले उसको ठीक करो, ठीक करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। किसानों ने कर्मचारियों को कह दिया कि तुम पैसा लो, हमारा मालूमदारी रसीद कटो, और उसने रसीद पर खाता नहीं चढ़ाया है, उस रसीद पर खसरा नहीं चढ़ाया है। इसके लिए दोषी तुम्हारा कर्मचारी है, इसके लिए दोषी किसान नहीं है। और चुके रसीद पर खसरा नहीं चढ़ा है, खतियान नहीं चढ़ा है, खाता नहीं चढ़ा है, ऐसा आप उसको आधार पर कहेंगे कि ये गलत है, इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए परिमार्जन करो, जो अशुद्धियां है जो विकृतियां है उसको पहले ठीक करवाओ, और ठीक करवाने के बाद सर्वे का काम करो, नहीं तो हम गांव-गांव के लोग संगठित होकर सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार को मजबूर होने के लिए मजबूर किया है, और आगे भी अगर सरकार बगैर तैयारी का बगैर योजना का हमारा 6 महीना से दाखिल खारिज का मामला ब्लॉक में पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तुम कानून बनाओ कि जो सीओ जो कर्मचारी दाखिल खारिज 15 दिन नहीं करेगा उसको सस्पेंड करेंगे। तुम कानून बनाओ कि जो परिमार्जन ठीक से समय पर सप्ताह के अंदर नहीं करेगा उसको सस्पेंड करेंगे। देखो सब काम ठीक हो जाएगा, मगर ये सर्वे के नाम पर जो किसानों की लूट हो रही है, लाख रुपया 50-50 हजार रुपया जो घूस लिया जा रहा है, उस लूट को बंद करो, नहीं तो हम चैन से तुम्हें रहने नहीं देंगे, हम ये कहने आए हैं। इसलिए आज इस चिलचिलाती धूप में आपने जो बुलंदी के साथ यहाँ आए हैं, हम आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से जिस जोश और जज्बे के साथ आज अपनी मांग को लेने के लिए यहाँ आए हैं, इस जोश जज्बे को कायम रखेंगे, इसको और बुलंद करेंगे।